कोरोना काळना बे वर्ष बाद आजे भगवान जगन्नाथजीनी 37મી रथयात्रा भावनगर शहेरना जाहेर मार्गो पर निकळी। भावनगरना महाराजा विजयराजसिंहजी गोहिलना हस्ते छेड़ापोर अने पहिंद विधि करी रथयात्राने प्रस्थान करावामां आव्युं हतुं, जेमां राज्यना केबिनेट शिक्षण मंत्री जीतु वाघाणी सहितना महानुभावो अने साधु संतो मोटी संख्यामां उपस्थित रह्या हता। छेल्ला बे वर्षथी कोरोना काळने कारणे भगवान जगन्नाथजीए भावेणावासीओने प्रत्यक्ष दर्शन आप्या न हता। गत वर्षे मात्र भगवान जगन्नाथजीनो रथ भावेणाना जाहेर मार्गो पर ज करायो हतो, जो के आ वर्षे कोरोनानो कहर हळवो थता अने सरकार द्वारा पण छूटछाट मळता फरी एक वखत परंपरागत रीते भारे धर्मोल्लास साथे भगवान जगन्नाथजीनी रथयात्रा भावेणाना राजमार्गो पर निकळी हती। भगवान जगन्नाथजीनी 37મી रथयात्रानो प्रारंभ भावनगरना राजवी परिवारना विजयराजसिंहजी सोनाना सावरणा वडेना शेड़ापोरा अने पहिंद विधि करवामां आवी हती अने भोई समाजना युवकोए रथने दोरडा वडे खेंचीने प्रस्थान करावी हतु। रथयात्रा प्रस्थान कार्यक्रममां केबिनेट शिक्षण मंत्री जीतु वाघाणी, पूर्वना धारासभ्य दवे मेयर कीर्तिबेन दाणीधारिया, पूर्व सांसद अने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजूभाई राणा सहितना महानुभावो, कलेक्टर, एसपी, आईजी सहितना अधिकारीओ तेमज साधु संतो उपस्थित रही लोकोने आशीर्वचन आप्या हता। अल्पेश डाभी, G9 लाइव न्यूज, भावनगर। बाबू, भावनगर में आज रथयात्रा नो प्रस्थान थई चुक्यो छे, समग्र भावेणा दर्शन माटे आवी रह्यो छे, आप शुं कहेशो? भावनगर नी भगवान जगन्नाथजी नी आ 37મી रथयात्रा अत्यारे सवारे निज मंदिरे थी प्रस्थान थई अने भावनगरना राजमार्गो पर ज्यारे पसार थई चुकी छे ત્યારે ભાવનગરના લોકોમાં એ દર્શન માટેને અનેરો થનગનાટ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે કોરોનાના બે વર્ષ દરમિયાન લોકોના ભગવાનના પ્રત્યક્ષ દર્શન નહીં થવાથી અને આ વર્ષે પ્રત્યક્ષ દર્શન થવાના હોવાથી લોકોમાં ઉમંગ અને ઉત્સાહ જોવાઈ રહ્યો છે। દર વર્ષ કરતાં આ વર્ષે દર્શનાર્થીઓની સંખ્યા પણ વધારે આવી ગઈ છે।